सबसे पहले मैं ये क्लियर कराना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई ने ये किया है कि पहले आई एम सॉरी टू से लेकिन पहले हुकूमतों के गंद को साफ किए। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं देती, एक एग्जांपल देती हूँ कि 4000 बोगस एनजीओ थे जिसको हमने बंद कराए, ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं थी। तो उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन की कमेटी बनाई और हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करा दी। जो ग्रांट इन एड जाता था वो मेरा पसंद, आपका पसंद, इसका भाई, इस पे ग्रांट इन एड हमारे पैसे जाते थे। अभी आप ये मेरे पास पेपर पड़ा है, ये देखें, हमने 150 ग्रांट इन एड दिए। चेक करें कि किसी का रिलेटिव, किसी का भांजा और भाई नहीं है, ये हमने की। जो हमने एडीपी इस साल बनाई है, मैं ये क्लियर करा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ केपी हमने ब्रिल प्रिंटिंग प्रेस लिया है, जो कि जब से मैंने डिपार्टमेंट में आई वो कह रहे थे ब्लाइंड के हमारे पास प्रेस नहीं है। बदकिस्मती देखें, इन लोगों की किताबें पंजाब जाती थी, वहां से ये प्रेस होके आती थी, और हमने जो है तो प्रिंटिंग प्रेस अपने एडीपी में, मैंने कहा कुछ भी हो जाए ये मैंने लेना है, एडीपी में मंजूर हो गया। दूसरे हमने ये कहा कि जो ब्लाइंड एंड डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड एंड फिजिकली रिटार्डेड के स्कूल्स हैं, इनको मैंने बैकवर्ड एरिया में किया। जो सेटल्ड एरिया है इनमें है चीजें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोहिस्तान में हमने एडीपी में मंजूर किया मेंटली एंड फिजिकली रिटार्डेड का। सिमिलरली जो है रिहेबिलिटेशन ड्रग सेंटर हमने करक में किया। सिमिलरली हमने जो है तो मलकंड डिवीजन में हियरिंग इम्पेयर्ड एंड ब्लाइंड एंड डेफ, ये तो हमारी एडीपी के बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं आगे नहीं जा सकती। फिर जो है उस दिन एक बहुत बड़ा वो जो था अपोजिशन का लीडर कह रहा था कि इन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई पीटीआई ने। हम ईंटें लगवाने नहीं आए, क्योंकि ब्रिक एंड वाटर यूज करो तो उसमें पैसा होता है, उसमें कमीशन जाता है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में कम से कहा कि जो ऑलरेडी है दारुल अमान, दारुल कफाला, इनके उनके लिए बजट मैंने रखे, लेकिन उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए पहले वो तो ठीक करें ना, आपने लोगों ने जो गंद छोड़ा है उसको ठीक करें, नए तब बनाएंगे जब ये सेटल हो जाए, उसके लिए मैंने इस बजट में ये पैसे रखे। एक था हमारा प्रोजेक्ट जेंडर, बहुत लोग बातें करते हैं जेंडर इक्विटी, वेमेन एम्पावरमेंट, लेकिन एक हमारा वेमेन एम्पावरमेंट का वो था ग्रैब के नाम से, बिल्कुल डाइंग कैडर था। डाइंग कैडर में हमने पीएनडी ने कहा बंद करते हैं, हमने फाइट करके हमने कहा बंद नहीं करेंगे, इसको हमने ग्रेप टू का नाम दिया, और इंशाल्लाह जेंडर इक्विटी के प्रोग्राम उसके वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम्स अंडर दैट हेडिंग। दूसरा जो था कि वेमेन एम्पावरमेंट के लिए चाहिए वो है कि उनको एम्पावर करें, एक तो एजुकेशन वाले कर रहे हैं, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट का काम है कि उसे लाइवलीहुड खुद कमाए, एक औरत के पास खुद अपना पैसा हो, एजुकेशन हो, वो एम्पावर है। तो ये सेंटर जो हमारे पास थे ये पहले थे भी, लेकिन हमने इस दफा 80 नए सेंटर मंजूर करा लिए। और ये मैं कैसे करूंगी, ये मैं ये नहीं कि जो एस्टेब्लिश है, मैंने दो इसके लिए पॉइंट्स रखे हैं कि एक जो ओवर जो पॉपुलेशन ज्यादा है और एक हार्ड एरियाज में ये करें। दूसरा हमने जो किया है कि हमारा चाइल्ड कमीशन एंड वुमेन कमीशन जो है, वी वाज द फर्स्ट इन द कंट्री कि हमारे ये दो कमीशन बने हैं। और डायलॉग जो एक बहुत चीज हमने बनाई है, एक डायलॉग बोर्ड है जो कि शेल्टर होम्स के लिए है, इसमें 7 एनजीओज हैं, इसमें साइकेट्रिस्ट भी होंगे, इसमें हेल्थ के भी होंगे, इसमें लॉयर्स भी होंगे, इंशाल्लाह ये हमने किया है। और फाइनली हमने एक खान साहब के कहने पर एक फाउंडेशन फॉर विडोज एंड डिसेबल बनाया है, और उसके 50 करोड़ आ गए। ये फाउंडेशन इंशाल्लाह सब विडोज का हेल्प करेगा। थैंक यू।